बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में अवैध रूप से शराब आ ही जाती है। बिहार के ज़िलों में जो बॉर्डर इलाके हैं, उन क्षेत्रों से बिहार में अवैध रूप से शराब का धंधा होता है, लेकिन बिहार में उत्पाद विभाग की टीम भी शराबबंदी को सफल बनाने में लगी हुई है। लगातार कई इलाकों में छापेमारी करती है और बड़ी मात्रा में शराब कारोबारियों और शराबियों को गिरफ्तार करती है। एक बार फिर से उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारियों को और भारी मात्रा में शराब को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि खबर मधेपुरा से है, जहाँ पर उन्होंने उत्पाद विभाग की टीम 71 शराबियों के साथ साथ 12 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मधेपुरा में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और उत्पाद विभाग की टीम ने महानिदेश पटना के आदेश पर सहरसा सुपौल के साथ संयुक्त एस ड्राइवर के गश्ती के दौरान जिले के अलग अलग चौक चौराहों पर छापेमारी कर 59 शराबी और 12 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को पहले खाना खिलाया, फिर उन्हें बाद में जेल भेज दिया गया। बता दें कि राज्य मद्य निषेध विभाग के आह्वान पर 3 जिलों की टीम ने संयुक्त अभियान के तहत की गई बड़ी कार्रवाई है। इस दौरान एक साथ 12 कारोबारी समेत 59 लोगों को शराब पीने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। वहीं मद्य निषेध मधुपुरा उत्पाद अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पटना महानिषेध के आदेश पर सहरसा सुपौल जिले के साथ संयुक्त कार्रवाई में 71 लोगों को शराब मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 12 शराब कारोबारी शामिल है। उन्होंने कहा कि मधेपुरा में लगातार उत्पाद टीम करीब 10 से 12 लोगों को प्रत्येक दिन गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। दरअसल बिहार के 9 जिलों में मधेपुरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस तरह की बड़ी कार्रवाई से जिले में शराब माफिया और शराबियों के दहशत का माहौल बन गया है। तो बिहार में एक बार फिर से उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। मधेपुरा में 59 शराबियों के साथ साथ 12 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है और मधेपुरा एक ऐसा ज़िला है जहां पे उत्पाद विभाग की टीम सबसे ज़्यादा काम करती है और वहां पे भारी मात्रा में शराब को बरामद करती है और शराबियों को गिरफ्तार करती है। इससे कहीं ना कहीं शराब माफियाओं में दहशत का माहौल है। अगर इस तरीके की कवायदात हर ज़िले में की जाए तो वाकई में बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन किया जाता है, शराब माफिया लगातार बिहार में अवैध रूप से शराब का डिलीवर करवाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार ड्राई स्टेट नहीं बन सकता है। तो ज़रूरत है उत्पाद विभाग की टीम को, वो जैसे मधेपुरा में कर रही है वैसे ही तमाम ज़िलों में इस तरह की पहल करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि शराब माफियाओं में दहशत का माहौल कायम हो और बिहार में सफल शराबबंदी बनी रहे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।